हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वी विल प्लान 1945। जुलाई 1941 से जून 1943 तक विवल जो है वो ब्रिटिश इंडिया की आर्मी में कमांडर इन चीफ थे, और इसके बाद अक्टूबर 1943 में विवल ने लॉर्ड लिनलिथगो को रिप्लेस किया एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। जब लॉर्ड वेवल इंडिया के वाइसरॉय बने तो इंडिया में चार मेजर सिचुएशंस थी उनके सामने टैकल करने के लिए। पहली सिचुएशन ये थी कि गांधी जी की लीडरशिप में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। इसके अलावा जिन्ना मुस्लिम्स के लिए सेपरेट स्टेट यानी पाकिस्तान बनाने की डिमांड को लेकर अड़ा हुआ था, और इंडिया में एक पॉलिटिकल डेडलॉक क्रिएट हो गया था। और उधर सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बना ली थी और जापान के साथ मिलकर इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर पर अटैक करने की तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा फोर्थ सिचुएशन ये थी कि बंगाल में फेमाइन यानी भुखमरी फैल गई थी। लॉर्ड वेवल जहाँ पर एक तरफ बंगाल फेमाइन को कंट्रोल करने में जुटे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे इंटरनेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए। इसी सिलसिले में वो अपने कुछ सजेशंस के साथ मई 1945 में लंदन पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलिस एमेरी के साथ डिस्कशंस किए और एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया, और फाइनली जून 1945 में लॉर्ड वेवल ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए अपना सॉल्यूशन अनाउंस कर दिया। इसी सॉल्यूशन को वेवल प्लान कहा जाता है। वेवल प्लान में लॉर्ड वेवल ने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट करने का प्रपोजल दिया था अगर सभी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्ल्ड वॉर टू में अपना सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं तो। अब देखते हैं कि वेवल प्लान में क्या क्या प्रपोज किया गया था। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और इसके मेंबर्स की संख्या बढ़ाकर 14 कर दी जाएगी। इस काउंसिल में हिंदूज और मुस्लिम्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इसके अलावा सिख कम्युनिटी और डिप्रेस क्लासेस को भी इस काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। यानी वाइसरॉय काउंसिल में वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी सभी मेंबर्स इंडियंस होंगे। और क्योंकि कमांडर इन चीफ जो है वो अभी भी ब्रिटिश ऑफिसर ही रहने वाला है, इसका मतलब डिफेंस ऑफ इंडिया अभी भी ब्रिटिश अथॉरिटी के ही अंडर में रहेगी। इसके अलावा वेवल प्लान में वाइसरॉय को वीटो पावर भी दी गई थी, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करने की पावर। हालांकि ये भी कहा गया कि वाइसरॉय इस वीटो पावर को यूज़ बिल्कुल ना के बराबर ही करेगा। देखा जाए तो यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी को एक बड़ा कंसेशन दिया गया था, कंसीडरिंग कि यूनाइटेड इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ 25% थी, फिर भी उन्हें हिंदूज के बराबर सीट्स दी गई थी। वेवल प्लान में ये भी कहा गया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये प्लान अप्रूव हो जाता है तो सिमिलर प्लान प्रोविंसेस के लिए भी लाया जाएगा। लॉर्ड वेवल ने इस प्लान को इंडियन लीडर्स से डिस्कस करने के लिए जून 25, 1945 को शिमला में कॉन्फ्रेंस बुलाई। अब क्योंकि उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते सभी इंडियन लीडर्स जेल में थे, तो लॉर्ड वेवल ने सबसे पहले सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल से रिहा करवाया ताकि एक अच्छे शांतिपूर्ण माहौल में वेवल प्लान को डिस्कस किया जा सके। लॉर्ड वेवल ने शिमला कॉन्फ्रेंस के लिए 21 पॉलिटिकल लीडर्स को इनवाइट किया था, जिसमें महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। बट शिमला कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच के मतभेद वेवल प्लान भी रिजॉल्व नहीं कर पाया। डिटेल में देखते हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस को वेवल प्लान में क्या पसंद नहीं आया। पहली लात तो वेवल प्लान में जिन्ना ने मारी। जिन्ना की डिमांड थी कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग ही नॉमिनेट करेगी। कांग्रेस या दूसरी पार्टीज वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मुस्लिम कैंडिडेट्स को नॉमिनेट नहीं कर पाए, ऐसा कुछ प्रोविजन होना चाहिए। फॉर श्योर जिन्ना की ये डिमांड माननी पॉसिबल थी ही नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग ही एकलौती पार्टी नहीं थी जहां पर मुस्लिम लीडर्स थे, कांग्रेस में भी तो मुस्लिम लीडर्स थे, तो वेवल प्लान के परखच्चे तो यहीं उड़ गए थे। और इतना ही नहीं, जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लिए वीटो पावर की भी डिमांड की थी। इनकेस ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मुस्लिम कम्युनिटी के इंटरेस्ट में नहीं हो तो मुस्लिम लीग जो है वो अपनी वीटो पावर यूज़ करके उसे पास होने से रोक दे। बट ये डिमांड भी बिल्कुल अनरीजनेबल थी क्योंकि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि मुस्लिम पॉपुलेशन यूनाइटेड इंडिया में सिर्फ 25% थी, इसके बावजूद उन्हें हिंदूज के बराबर सीट्स दी जा रही थी, तो फिर ऐसे में एक्स्ट्रा वीटो पावर क्यों चाहिए। इन सब झगड़ों में फंसकर वेवल प्लान भी फेल हो गया। इस वीडियो के नोट्स bookstower.com वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बुक्स टावर चैनल पर हिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं।
मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के अराइवल से इंडिया के आज़ाद होने तक की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए बुक्स तवा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्स तवा।